हेलो माय स्टूडेंट्स, आज आप देख रहे हो कि हम लोग कल क्वाड्रिलेटरल पर बात कर रहे थे। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वन इज स्क्वायर, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड रेक्टेंगल इज ए क्वाड्रिलेटरल। विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रिनेट ज्योमेट्री वी कैन प्रूव देम। हम कह सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है, कौन सा पैरेललोग्राम है। पीछे के वीडियो में बच्चों हमने आपसे स्क्वायर पर बात किया था और आपसे बोला कि ए स्क्वायर हैज फोर साइड्स व्हिच आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देन द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर। अब यहां देखो बोर्ड पर में तीन सम्स है, इसमें से कोई रेक्टेंगल हो सकता है, कोई रोम्बस हो सकता है, कोई आपको इसमें से पैरेललोग्राम हो सकता है। तो हम कैसे इसे साबित करके दिखा सकते हैं, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं और आप उसको जाने। अब यहां पर में देखा जाए सो दैट, ये देखिए सम नंबर एक लेते हैं। अब इसमें से फिर मैं कहता हूं कोई क्वाड्रिलेटरल इसमें रोम्बस है, कोई इसमें आपको रेक्टेंगल है और इसमें से कोई पैरेललोग्राम है। अब कौन सा रोम्बस पैरेललोग्राम है, कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा रोम्बस है। चलो सम नंबर एक लेते हैं, ये हुआ टू माइनस वन, दूसरा पॉइंट इसका हुआ तीन चार, तीसरा पॉइंट है माइनस दो तीन एंड चौथा पॉइंट है माइनस तीन माइनस दो, माइनस तीन माइनस दो। अब ए इज इक्वल टू माइनस टू टू कॉमा माइनस वन, बी इज इक्वल टू थ्री कॉमा फोर, सी इज इक्वल टू माइनस टू थ्री, डी इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस टू। अब देखो ए बी सी डी, तो बच्चों तुम मान लो इसको, इसका कोऑर्डिनेट्स को एक्स वन वाई वन मानो, इसको ध्यान दो यहाँ x2 y2 मानो, इसको x3 y3 मानो, इसको x4 y4 मानो। और बच्चों यहाँ पर हम फिगर के लिए स्पेस खाली रखते हैं ताकि आप बाद में कंडीशन देखेंगे, रोम्बस होगा रोम्बस का फिगर पाड़ेंगे, पैरेललोग्राम का फिगर पाड़ेंगे, रेक्टेंगल होगा रेक्टेंगल का फिगर पाड़ेंगे, है ना बच्चों। ये स्पेस मैं खाली इसलिए छोड़ा है, यहां पर मैं कौन सा किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है अभी मुझे मालूम नहीं है, हम इसे बनाने के बाद पता कर लेंगे कि ये कौन सा है। तो चलो यहां देखो बच्चों, एक्स वन बराबर टू, एक्स टू बराबर थ्री, एक्स थ्री इजकल टू माइनस टू, एक्स फोर इजकल टू माइनस थ्री। चलो ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर हुआ, ठीक है बच्चों, ये y1 y2 y3 y4 हुआ। तो चलो y1 वन इजकल टू माइनस वन, वाई टू इजकल टू फोर, वाई थ्री इजकल टू थ्री, वाई टू वाई फोर इजकल टू माइनस टू। अब यहां पर मैं डिस्टेंस फार्मूला को यूज करो और डिस्टेंस फार्मूला की सहायता से हम ए बी बी सी सी डी ए डी निकालते हैं। चलो बच्चों ये देखो ए बी लिया, ध्यान रखो वन टू पीछे बताए थे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर और ये अंडर रूट हुआ। अब ऊपर में देखो बच्चों, एक्स टू है हमारे पास थ्री ले लिया, एक्स टू है टू ले लिया, इसका होल स्क्वायर हो गया बच्चों, ध्यान दे रहे हो फोर ले लिए और ये देखो ये माइनस है और यहाँ माइनस है, दोनों को ऐड कर दिए तो प्लस हुआ, क्योंकि माइनस और माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। चलो वन हुआ, इसका होल स्क्वायर लिए। अब बच्चों यहाँ पर मैं वन का होल स्क्वायर हो गया और ये फाइव का होल स्क्वायर हो गया, तो इसे आप वन प्लस ट्वेंटी फाइव इसका टू अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स लिखते हो, क्योंकि ट्वेंटी सिक्स। तो बच्चों यू हैव फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए बी व्हिच इज अंडर रूट ट्वेंटी सिक्स यूनिट्स। अब ए बी के बाद बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फाइंड आउट करो, तो बी सी में दो और तीन है, तो चलो दो तीन का फॉर्मूला लागू करो, एक्स थ्री माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर
प्लस वाई थ्री माइनस वाई टू का होल स्क्वायर और ये अंदर रूट किया। अब देखो बच्चों यहां पर मैं एक्स थ्री ढूंढो माइनस टू है और एक्स टू देखो बच्चों कितना है तीन है तो माइनस टू माइनस तीन का होल स्क्वायर हुआ है ना बच्चों। और वाई थ्री देखो वाई टू फोर है तो थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर हुआ। अब ये अंडर रूट में लो बच्चों माइनस फाइव का ये होल स्क्वायर हुआ और ये माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ। तो बच्चों यहां पर मैं ये 25 हो गया ये प्लस वन हो गया तो ये अंडर रूट में 26 यूनिट हुआ। तो बच्चों देखो यहां पर मैं एबी भी निकला 26 यूनिट अंडर रूट में बीसी भी निकला। अब चलो बच्चों ए बी निकाला बीसी निकाला अब सी डी निकालो और यहां पर थोड़ा सा स्पेस थोड़ा छोड़ा तो चलो हम यहां ले लेते हैं। चलो यहां हम स्पेस छोड़ते हैं यहां किस प्रकार का ये रोम्बस होगा ये रेक्टेंगल होगा ये पैरेललोग्राम होगा इसके साइड्स को हम बाद में लिखते हैं। और चलो यहां पर मैं हम ए बी बी सी अब सी डी लेते हैं तो तीन चार वाला फॉर्मूला लागू करो तो एक्स फोर माइनस एक्स थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई थ्री माइनस वाई फोर माइनस वाई थ्री। और ये देखो बच्चों अब ढूंढ लेते हैं हम यहां से कि एक्स फोर कितना है तो चलो बच्चों एक्स फोर है मेरे पास थ्री तो ये माइनस थ्री का माइनस थ्री हो गया और माइनस थ्री के साथ चलो बच्चों एक्स थ्री कितना है तो माइनस है टू तो माइनस और माइनस प्लस हो गया ये होल स्क्वायर हुआ। अब बच्चों वाई फोर देखो माइनस टू है और वाई थ्री देखो वाई थ्री थ्री है तो माइनस थ्री का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको तोड़ देते हो तो माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ और ये माइनस फाइव का होल स्क्वायर हुआ और ये देखो वन प्लस 25 ये भी आया आपको 26 और ये यूनिट्स हुआ। सी डी भी आप उतना ही निकाल दिए। चलो बच्चों अब डी ए निकालो ए को एक समझते हैं डी को चार समझते हैं तो एक्स फोर माइनस एक्स वन तो ये फॉर्मूला चार और एक ध्यान रखो और एक्स फोर माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर हुआ बच्चों और ये हुआ वाई फोर माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो एक्स फोर है माइनस थ्री एक्स वन है टू तो चलो बच्चों माइनस थ्री माइनस टू लिए और इसका होल स्क्वायर हुआ। अब वाई फोर देखो बच्चों माइनस टू है और वाई वन देखो माइनस था तो ये माइनस के साथ मिलने पर ये प्लस हो गया और इस तरह से यहाँ पर माइनस फाइव का होल स्क्वायर हुआ और माइनस वन का होल स्क्वायर हुआ तो ये 25 और प्लस वन ये भी अंडर रूट 26 यूनिट्स हुआ। चलो बच्चों चारों साइड्स तो इक्वल हो गया। अब ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए चार साइड्स इक्वल फोर साइड्स आर इक्वल। नाउ द क्वेश्चन इज अराइजिंग दैट वेदर इट इज ए पैरेललोग्राम और इट इज ए रोम्बस और इट इज ए स्क्वायर और इट इज ए रेक्टेंगल। तो डिफरेंस स्क्वायर का फोर साइड इक्वल होता है रोम्बस का फोर साइड इक्वल होता है। अब डायगोनल्स पर चले आओ फोर साइड्स दोनों का इक्वल हो गया तो स्क्वायर का तुमने पढ़ा कि डायगोनल्स जो होगा ये डायगोनल्स जो लेंगे चलो ये डायगोनल्स हुआ ये डायगोनल्स हुआ ये यहाँ पर ए लिखते हैं यहाँ पर बी लिखते हैं यहाँ पर सी और यहाँ डी। चलो बच्चों ए का कोऑर्डिनेट टू और माइनस वन लिखा और बी का कोऑर्डिनेट थ्री और फोर लिखा और सी का आपने माइनस टू और थ्री लिखा और डी का माइनस थ्री और माइनस टू लिखा। फिर ध्यान दो बच्चों फिर ध्यान दो। अब स्क्वायर का फोर साइड इक्वल होता है तो यहाँ पर देखो फोर साइड इक्वल है स्क्वायर का डायगोनल्स बराबर होता है इक्वल होता है रोम्बस का डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। चलो अब हम रोम्बस का डायगोनल ये स्क्वायर है या रोम्बस तो चलो अब डायगोनल्स ए सी और बी डी निकालते हैं
और तब देखते हैं कि क्या होता है। तो ये देखो एसी लिए, अब एसी से एक और तीन आ गया, तो एक्स थ्री माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर, क्या समझ रहे हो ना, वाई थ्री माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। अब ये अंदर रूट में आ गया, अब ये देखो वो मेरे पास कितना है, तो माइनस टू है, और एक्स वन देखो ये माइनस टू है, माइनस टू हुआ, और ये वाई थ्री को देखो थ्री है, तो चलो थ्री लिखा, और वाई वन माइनस वन है, तो ये माइनस और ये माइनस से चलो ये प्लस हो गया, और इतना का होल स्क्वायर किए तो ये आपको हो गया माइनस फोर का होल स्क्वायर और प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो ये हो गया आपको 16 और प्लस ये भी 16, तो अंडर रूट में 32 यूनिट्स। तो बच्चों यहाँ पर एसी जो है वह आपका एक डायगोनल्स हुआ जो 32 यूनिट्स अंडर रूट में है। अब डीडी निकाल के देखते हैं कि क्या हुआ भी इतना ही होता है, यदि इतना होता है तो वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, यदि इतना नहीं होता है एसी के बराबर तो रोम्बस हो जाएगा। तो चलो हम डीए निकालते बीडी निकालते हैं। अब बीडी का फॉर्मूला क्या होगा, तो बी टू समझो डी फोर समझो, तो एक्स फोर माइनस एक्स टू वाई फोर माइनस वाई टू का फॉर्मूला लागू करो। तो ये देखो हमने एक्स फोर माइनस एक्स टू का फॉर्मूला लागू किया और प्लस वाई फोर माइनस वाई टू का फॉर्मूला लागू किया। अब हम एक्स फोर और एक्स टू को देखते हैं, तो एक्स फोर है माइनस थ्री, चलो माइनस थ्री लिखते हैं, और देखो एक्स टू कितना है, तो थ्री है, तो माइनस थ्री का फॉर्मूला लिखते हैं। अब यहाँ देखो वाई फोर को देखो बच्चों माइनस टू है, चलो बच्चों माइनस टू लिखा, और वाई टू को देखो ये फोर है, ये लिखा हुआ। अब इसको तोड़ते हैं, माइनस सिक्स का होल स्क्वायर माइनस सिक्स का होल स्क्वायर, और इसे तोड़ते हैं, ये 36 होता है, ये भी 36 होता है, 72 यूनिट्स हो गया। अब क्लियर हो गया बच्चों, क्या एक रोम्बस ही होगा, क्यों होगा, तो फिर ध्यान दो क्या, तो ऑल द फोर साइड्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ओके, एंड वॉच द डायगोनल्स एसी एंड बीडी, एसी इज 32 यूनिट्स एंड बीडी इज 72 यूनिट्स, बोथ साइड्स नो इक्वल। तो यहाँ कंडीशन लिख दो, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, आप देखते हो कि ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी डी इजकल टू डी ए, दैट इज 26 यूनिट्स हुआ, बट द डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, बट ए सी इज नॉट इजकल टू बी डी, क्यों, तो ये है 32 यूनिट्स अंडर रूट में, ये 72 है, तो क्या डायगोनल्स इक्वल, बोलो स्क्वायर हुआ या क्वाड्रिलेटरल या रोम्बस, रोम्बस, वेरी गुड। व्हेंस द गिवन पॉइंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, आर एच ओ एम बी यू एस, रोम्बस। सो वी हैव प्रूव्ड हियर द गिवन पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए रोम्बस, एम आई क्लियर, आप समझ गए, आपने देखा एक नंबर आपका रोम्बस हो गया, ठीक है। अब बच्चों ये और ये है, चलो मैं ये बता देता हूं कि नंबर टू जो है यह आपका एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम होने के लिए क्या है, चलो ये है एक पैरेललोग्राम मान के चलो, ये क्या है ए बी सी डी, ए बी सी डी है, और चलो इसका ये ए सी और बी डी है। अब यहां पर मैं पैरेललोग्राम कैसे होगा, तो देखो ए बी इजकल टू सी डी और बी सी इजकल टू ए डी, इसका कंडीशन हो गया ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी,
ये आपको साबित करना है। और दूसरा कंडीशन इसमें एसी इज नॉट इक्वल टू बीडी, तो ये आपको पैरेललोग्राम हो जाएगा। तब आपको हो गए द गिवन पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम और चौथा जो तीसरा है ये दो नंबर का हुआ। और तीसरा नंबर का देखो बच्चों, ये जो है यदि यह मान के चलो कि एक आपको रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में दूसरा कंडीशन आ गया के कंडीशन उसमें हम ए ले लेते हैं। देखो इसमें यदि ए बी इजकल टू सी डी एंड बी सी इजकल टू ए डी हुआ, चलो बच्चों ये हुआ, तो देखो यदि ये एक पैरेललोग्राम है तो फिर इसका अपोजिट साइड सीक्वल है बट डायगोनल सीक्वल नहीं है। अब यदि यह रेक्टेंगल है तो इसका अपोजिट साइड्स भी इक्वल होगा और ये भी डायगोनल्स भी इक्वल होगा, तो बच्चों आप इसको पैरेललोग्राम्स कह सकते हो। इसको कह सकते हो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। और यदि ये कंडीशन लागू होता है तो आप कहते हो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, आप कह देते हो रेक्टेंगल। तो बच्चों इस कंडीशन को ध्यान रखो और इस कंडीशन को ध्यान रखने से दूसरा और तीसरा बनाओ और साबित करके दिखलाओ कि ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। और इसी तरह से अपने तूफानी वीडियो के साथ मजा लेते रहो, आराम से बनाते रहो। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बोलो जय हिंद जय भारत।